केंद्र की मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं और विपक्ष लगातार उन पर हमला बोल रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के 6 साल पूरे होने पर ऑनलाइन रैली की जा रही है, अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जबकि आज समय है पारदर्शिता और सहानुभूति दिखाने का, सबको साथ लेकर चलने का। पायलट ने कहा कि आज का समय अपनी पीठ थपथपाने का नहीं, फिर भी केंद्र सरकार अपने 6 साल पूरे होने का एक तरफ जश्न मना रही है और अपनी उपलब्धियां गिनाने का कार्य कर रही है, जबकि फिलहाल हकीकत यह है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में टिड्डी दल फैल रहा है, देश में साइक्लोन आया हुआ है और राज्यों में कोरोना वायरस से लड़ने की मदद नहीं मिली है। इसे लेकर स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की ओर से आता तो ज्यादा अच्छा होता। पायलट ने आगे कहा कि इस तरीके से अपनी पीठ थपथपाने से कोई फायदा नहीं होता, जनता हर बात देखती है। केंद्र सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं, 6 साल पूरे होने पर आप अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, ऑनलाइन रैलीज कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज ये समय है पारदर्शिता का, आज समय है सहानुभूति दिखाने का, आज समय है करुणा दिखाने का, आज समय है सबको साथ लेकर चलने का। आज अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है, फिर भी अपने 6 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न एक तरह से बनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। काहे की उपलब्धियां? पूरे देश में टिड्डी फैल रही है, हर जगह अलग अलग राज्यों में साइक्लोन आया है, वहाँ पर आर्थिक मदद कम पहुँच रही है, कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को कोई आर्थिक मदद अभी तक दी नहीं गई है, उस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, उस पर अपनी बात रखी जाए, वो ज़्यादा सार्थक होता। लेकिन इस प्रकार अपनी पीठ थपथपाने का जो काम हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश जनता में नहीं।